अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने चार वीडियोस बनानी है। ये वो केरल 2018 का टेस्ट ही चल रहा है, उसी कोई कंटिन्यू कर रहे हैं। ये उसका पार्ट टू है, असिस्टेंट मैनेजर फिजिक्स की पोस्ट के लिए। आप ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास। फर्स्ट फाइव क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर सिक्स से क्वेश्चन नंबर टेन तक वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहे हैं हमारे पास, इन मॉस्फेट द कंडक्शन पाथ बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स इज कॉल्ड। सबसे पहले तो ये कि मॉस्फेट क्या होता है। मॉस्फेट हमारे पास ये डिवाइसेस होती हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड अफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड अफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये बेसिकली इनकी इन डिवाइसेस के चार टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन, गेट, बॉडी। और ये पूरा एक फील्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन प्रोसेस का। उनमें बड़ी डिटेल से ये डिवाइसेस फैब्रिकेट कैसे होती हैं, वर्क कैसे करती हैं, सारा कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन चलें, आप बस इसके बारे में इतने ही याद रख लें कि ये चार टर्मिनल होते हैं डिवाइसेस के, सोर्स, ड्रेन, गेट, बॉडी। अच्छा, ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि इन मॉस्फेट द कंडक्शन पाथ बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए पी रीजन, ऑप्शन बी एन रीजन, ऑप्शन सी चैनल, ऑप्शन डी सबस्ट्रेट। तो जो कंडक्शन पाथ होता है सोर्स और ड्रेन के दरमियान, उसे हम चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? चैनल। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ये आपने याद रखनी है। मॉस्फेट के केस में जो सोर्स और ड्रेन के दरमियान कंडक्शन के पाथ का काम करता है, वो चैनल होते हैं, उसे हम चैनल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि इफ अ मॉस्फेट इज टू बी यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ एन एम्पलीफायर, देन इट मस्ट वर्क इन। अगर हमने मॉस्फेट को एज एम्पलीफायर यूज करना है, फिर हमने इसे किस रीजन में ऑपरेट करना है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कट ऑफ रीजन, ऑप्शन बी सेचुरेशन रीजन, ऑप्शन सी ट्रायोड रीजन, ऑप्शन डी बोथ कट ऑफ एंड ट्रायोड रीजन। अच्छा, अब इसमें याद रखिएगा, जब भी हमने मॉस्फेट को एज अ स्विचिंग डिवाइस अगर यूज करना हो, तब हम इसे ट्रायोड और कट ऑफ रीजन में जो है वो ऑपरेट करते हैं। लेकिन जब हमने मॉस्फेट को एज अ एम्पलीफायर यूज करना है, तब हमेशा इसको हमने सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट करना है। कौन से रीजन में ऑपरेट करना है? सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट करना है। और ये जो सेचुरेशन रीजन होता है, फिर इसे हम एक्टिव रीजन भी कह रहे होते हैं, बीजेटी जब हम बात कर रहे होते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे होते हैं। तो क्या पता चला हमें इस क्वेश्चन से, अगर हमने मॉस्फेट को एज अ एम्पलीफायर यूज करना है, तो इसे हमने सेचुरेशन रीजन में जो है वो ऑपरेट करना है, लिहाजा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर एट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है कि ब्लू कलर ऑफ सी वाटर इज ड्यू टू, के सी समंदर का जो पानी होता है उसका ब्लू कलर किस वजह से होता है। सेम रीजन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्काई का ब्लू कलर जो हमें नजर आता है वो क्यों नजर आता है, तो उसका भी जवाब यही होगा जो इस क्वेश्चन को होगा। ऑप्शंस गिवन है, इंटरफेरेंस ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर सरफेस, ऑप्शन बी स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी इमेज ऑफ स्काई इन वाटर, ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। तो याद रखिएगा, अब जो सनलाइट है वो बेसिकली वाइट लाइट ही होती है। अच्छा, जब सनलाइट ओशंस के ऊपर गिरती है, तो ये वाटर में पेनेट्रेट करती है, और फिर जो ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू सॉरी ब्लू हमारे पास जो कलर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये कलर जो होते हैं, ये स्ट्रॉन्गली ऑब्जर्व हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल से। और ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये जो कलर होते हैं, ये मच ऑब्जर्व नहीं होते। इनफैक्ट ये जो कलर्स होते हैं, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये स्कैटर हो जाते हैं। हाउएवर, जो ब्लू कलर अगर हम
डीपली पेनेट्रेट करता है ओशन में तो ये भी ऑब्जर्व हो जाता है। इसलिए जब हम बहुत डीप में जाके देखते हैं ओशन के तो वो हमें कंप्लीटली डार्क नजर आता है। तो ब्लू कलर अगर आपसे कोई पूछे कि सी वाटर का किस वजह से होता है तो आपने बताना है स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल, इसका ये राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डायमेंशनल फार्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, जो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका डायमेंशन क्या होती है हमारे पास। ये चार ऑप्शन दिए हमारे। अच्छा हमें पता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो होती है कैपिटल जी एम इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो जी आ गया हमारे पास एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू एम। ये मास ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर। हम पता है एफ इक्वल टू एम ए होता है। मास की डायमेंशन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है एल टी माइनस टू होती है, वो मैंने लिख दी फोर्स की जगह पे। और आर जो है रेडियस जो है वो लेंथ ही है, और क्योंकि इसका स्केयर है तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया एल स्केयर इसकी डायमेंशन में। और ये m इंटू m है तो इसकी डायमेंशन m स्केयर बन जाएगी। अब ये m है, ये नीचे m पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो m पावर माइनस 1 बन जाएगा। ये l स्केयर और l मिलके l पावर 3 बना देंगे और t माइनस 2। तो ये हमारे पास राइट डायमेंशन है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की, जो कि ऑप्शन c बनती है। तो हमारे पास ऑप्शन c जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ क्लास डी एम्पलीफायर। क्लास डी एम्पलीफायर इनमें से कौन सा है, क्लास डी एम्पलीफायर की एग्जाम्पल कौन सी है इन चार ऑप्शन में से। अच्छा तो अब ये जो क्लास डी एम्पलीफायर होते हैं ना, इन्हें हम स्विचिंग पावर एम्पलीफायर भी कहते हैं। ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए आपने याद रखना है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें स्विचिंग एबिलिटी होती है, इसी वजह से इन्हें हम एज अ पल्स जनरेटर जो है वो भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एज अ पल्स जनरेटर। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। पल्स जनरेटर एक एग्जाम्पल है जो क्लास डी एम्पलीफायर की एप्लीकेशन है। तो चलें यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर लेते हैं। बाकी अगर आप इस पेपर के क्वेश्चंस जानने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।